1932 की गोलमेज कानफ्रेंस के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गोरिया के हक माइकल मैकडोनल्ड के सामने गए तो अपने समाज के प्रति जो दुख दर्द से उन्होंने मन में उन्होंने पक्ष अपने समाज का पक्ष इस तरीके रखते हैं। सो रतु रंधावा जी की कलम इंज बयान करती है, जरा गौर फरमाना।
सदियां तो पापी आए छल कर दे साडे नाल सीधे मुंह ना गल कर दे अज भी नहीं कर दे क्योंकि सदियां तो असी गुलाम असी लोग गुलामी करते आए इन्हां दी ये साडे ते राज करते आए है सो अज भी ये लोग साडे नाल सीधे मुंह गल नहीं करते पर लेकिन जो वोटां दा टाइम आउंदा है उस वेले साडे घरां दे विच आ के रोटी भी खा जांदे है और साडे बच्चां दे ऐस तक के साडे बच्चे नलियां भी साफ कर जांदे है ऐस तक ये लोग काम करते हैं पर लेकिन मेरे भैणों भरावो मैं ये चाहती हाँ कि राज होवे तां अपना गुलामियां दे नाल जिंदगी जी तां की जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी क्या करते सन 100 साल की गुलामी दे नाल एक दिन अणख का जी लो अणख का जी के मर जाओ कोई फर्क नहीं पैंदा पर लेकिन थोड़ा नाम रहेगा दुनिया के उत्ते अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम है वह एक शख्सियत सी और साहब श्री कांशीराम शख्सियत सी इस करके अज उन्हां दा नाम लिया जांदा है बच्चा बच्चा उन्हां दा नाम जदों उन्हां दा नाम सामने आउंदा तां अखां च हंझू अपने आप आ जांदे है कि ये लोग साडे लई इन्ना संघर्ष करते गए सानू अज इस यह जिहड़ी आजादी की जिंदगी जिन्नी की भी असीं जी रहे हाँ वधिया जिंदगी जी रहे बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी देण है प्रभु असी बसनीक हाँ असी बसिंदे हाँ इतने के ये बाहरों आ रही लोग आके साडे ते राज करन लग गए और साडे नाल ही सीधे मुंह गल नहीं करते लोग साडे नाल ही सानू कहिंदे साडी बिल्ली सानू म्याऊ होर ना कोई कर सकता हक लैने ले समय दे हाकमा तो जान तली ते कोई नहीं धर सकता मैं मरा तो कौम सुरजीत होवे ज्यो दे जी ना कोई भी मर सकता ओ जिने मन विच रतू विश्वास पक्का ओ ता सिद्ध को मूल नहीं हर सकदा Oh, shit.